किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं। नोएडा में पहुंचेंगे थोड़ी ही देर में, ऐसा कहा जा रहा है शामली से। हालांकि वो रवाना हुए हैं, थोड़ा वक्त तो लगेगा नोएडा पहुंचने में, लेकिन क्या क्या कार्यक्रम प्रस्तावित हैं आज, अगर आज की बात करें तो? जी निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर बाद यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। नोएडा के सेक्टर 110 में एक हेलीपैड बनाया है जहाँ पर वो हेलीकॉप्टर के द्वारा उतरेंगे। उसके बाद बाई रोड ये सेक्टर 108 स्थित कमिश्नर का ऑफिस है, उसका उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर आएंगे। और इसके अलावा जो मोटरसाइकिल हैं जो पुलिस को दी जाएंगी, उनको हरी झंडी भी योगी द्वारा दिखाई जाएगी और एक कुछ संबोधन भी यहाँ पर होगा कमिश्नर ऑफिस में। उसके बाद जो एसएसपी का ऑफिस था ग्रेटर नोएडा में, वहाँ पर योगी जाएंगे। जो पार्टी के कुछ पदाधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग करेंगे, जो आला अधिकारी हैं पुलिस के प्रशासन के उनके साथ मीटिंग करेंगे। और उसके बाद आज गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के जो गेस्ट हाउस है उस पर ही विश्राम की पूरी योजना है। किस तरह की तैयारियां हैं गिरीश, किस तरह की तैयारियां देख पा रहे हैं सीएम के दौरे को लेकर? निश्चित तौर पर जो दो दिन का ये दौरा है उसको लेके काफ़ी तैयारी की गई है। जो पुलिस प्रशासन की बात करें, नोएडा प्राधिकरण और जिला प्रशासन तीनों ही जो अथॉरिटीज़ हैं उनके अधिकारी यहाँ पर लगे हुए हैं। जो कमिश्नर ऑफिस है उसमें तमाम तरह की तैयारियाँ की गई हैं, पुलिस फोर्स तैनात है, साथ ही आला अधिकारी मौके पर मौजूद है। जो सीएम का ये दौरा है इसको लेके पूरी तरह चाक चौबंद तरीके की सुरक्षा की गई है। गिरीश, क्या इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है, क्योंकि दौरा जो था, जो टाइमिंग थी वो कहीं ना कहीं बदली है? आज ऋषिकेश में पहले पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ, फिर शामली पहुंचे और वहां से रवाना हुए, तो थोड़ा वक्त लग जाएगा। हालांकि पहले बताया जा रहा था कि 4:30 बजे या 5 बजे के बीच वो पहुंच जाएंगे नोएडा, तो अभी क्या जानकारियां मिल रही हैं? जी निश्चित तौर पर कहा जाए तो जो प्लान उनका सामने आया था उसमें करीब 4:30 बजे उनको नोएडा पहुंचना था, लेकिन पीछे से ही जो रैलियां हुई हैं, जो आज उनका दौरे हुए हैं अलग अलग जगह, उसके चलते थोड़ा सा लेट हुआ है। लेकिन कहा जा रहा है कि 10 से 15 मिनट में वो नोएडा पहुंचने वाले हैं। उसके बाद जो सारे कार्यक्रम हैं उनको थोड़ा लेट टाइमिंग से शुरू किया जाएगा और आते ही सबसे पहले वो कमिश्नर ऑफिस आएंगे और यहाँ उद्घाटन करने के बाद सीधे ग्रेटर नोएडा के लिए निकलेंगे। कि आपके पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं तो थोड़ा वहां पे क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या तैयारियां हैं, दिखाएंगे आप दर्शकों को? जी निश्चित तौर पर मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं कि पीछे किस तरह की तैयारी की गई है। आप देख सकते हैं कि काफी पुलिस फोर्स यहां पे लगी हुई है, भारी मात्रा में पुलिस बल है, सुरक्षा कर्मी है यहाँ पे जो सीएम की सिक्योरिटी को लेकर तैनात किए गए हैं। सुबह से ही कई तरह यहाँ पर रूट डाइवर्जन भी किया गया है, गाड़ियों को रोका जा रहा है कि कोई गाड़ी इधर की तरफ ना आ पाए। साथ ही हर तरफ बैरिकेड लगाए गए हैं, पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं कि सुरक्षा को लेकर कहीं किसी तरह की चूक ना हो, इसको लेकर पूरी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। ये वही कार्यालय है गिरीश, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जिसका उद्घाटन करना है सीएम को? जी निश्चित तौर पर ये सेक्टर 108 का वही कमिश्नर ऑफिस है जहां इस वक्त हम लोग खड़े हैं, जहां पे कुछ ही देर में योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं और इस कमिश्नर ऑफिस का उद्घाटन करने वाले हैं। चलिए आप नजर बनाए रखिए गिरीश, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।